हाउ टू मेक अ शुगर कैन फार्म। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको वो चीज़ें दिखा देते हैं जिससे हमारा शुगर कैन फार्म बनने वाला है। तो यहाँ पे ये है कुछ काम की चीज जो लगेगी, तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। एंड गाइज अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और गाइज ये शुगर कैन फार्म बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज जरूरी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर से दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे पहले अपन शुरुआत करते हैं, पहले अपन कुछ वाटर बकेट ले लेते हैं यहाँ पे। एंड आपको ऐसे कुछ एक स्ट्रेट एट ब्लॉक डिक कर लेने हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको कुछ एक डायरेक्शन में एक ही पानी डाल देना है बिल्कुल कॉर्नर में। एंड उसके बाद आपको शुगर कैन उसके पीछे कोई से भी एक साइड में शुगर कैन लगा दीजिएगा। यहाँ पे हमने लगा दिया। एंड उस शुगर कैन के पीछे आप कोई सा भी एक बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये स्टोन ब्रिक यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। और गाइस उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे पिस्टन। एंड यहाँ पे हमने पिस्टन ले लिया है। और आपको पिस्टन जो है कुछ ऐसे में लगाना है, ये जो उसका वो रहता है उसके साइड। और ये शुगर कैन हटा देता हूँ मैं। देखो गाइस अभी से ग्रो होना शुरू हो गया, तो गाइस बहुत अच्छा होगा। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो। ओके यहाँ पे फिर अपन ऑब्जर्वर भी लगा देते हैं ताकि उसको पावर मिले, माने कि थोड़ी वो होता है ना वो मिल जाए। और आपको ये जो ऑब्जर्वर है ये शुगर कैन को तरफ फेस करे होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको ये पिस्टन के पीछे एक ब्लॉक लगा देना है, कोई सा भी बिल्डिंग ब्लॉक। और गाइस उसके बाद आपको ऐसे करके रेडस्टोन भी लगा देना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह से। और गाइज ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा गाइज, यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद जो ये आपने ब्लॉक प्लेस करा था उसके तीन ब्लॉक के बाद आपको फिर से एट ब्लॉक डिक कर लेने हैं। एंड उसके बाद जिस तरफ से जिस जगह आपने पानी डाला था यानी कि उसी जगह से आपको ऐसे ही एक और पानी डालना है कुछ ऐसे। और यहाँ पे उसके बाद अपन एक यहाँ पे अब अपन शुगर कैन लगा देते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस यहाँ पे उसके बाद आपको फिर से उसके पीछे कोई सा भी एक ब्लॉक लगा देना है। और मैं एक और बार कह रहा हूँ आप कोई सा भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्लॉक। और यहाँ पे फिर आपको वापस से उसी तरीके से पिस्टल लगाना है। और हाँ इस बार शायद आपको ब्लॉक इस तरफ नहीं लगाना है क्योंकि वो ऑलरेडी है। और आपको कुछ इस तरह से पिस्टल लगा देना है। एंड ऑब्जर्वर फिर शुगर कैन की तरफ वापस से ऐसे करके लगा देना है कुछ इस तरह से। एंड फिर उसके बाद आपको अब मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको ये से नाइन ब्लॉक डिक कर लेने हैं। वन ये वन हो गया, ये टू रुक गया। पहले मैं यहाँ पे डिक करके आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ ऐसे करना है उस तरफ से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे। हाँ तो हमने यहाँ पे नाइन कर लिया, ये देखो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन और एट और ये नाइन है ना। उसके बाद आपको इस तरफ आना है जहाँ पे आपने दो एक्स्ट्रा वो करे थे यानी कि। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चेस्ट और होपर हम यहाँ पे ले लेते हैं ना। जो ओके हमने यहाँ पे ले लिया है। एंड अपन को अब जो एक डिक का लेना है और उसके बाद हमें चेस्ट रख लेना है यहाँ पे, ये गलती से मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको इधर से क्राउच करके आपको यहाँ पे होपर लगा देना है। एंड होपर के बाद आपको लगेगा ऑक साइन जो कि आपको होपर के जस्ट ऊपर ऐसे करके वो ब्लॉक में लगा देना है ताकि वो पानी इधर आके रुक जाए। और यहाँ पे इस साइड आपको एक वाटर डाल देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे उधर जाके वो पहुँच जाएगा। एंड फिर उस चेस्ट के इस तरफ आपको एक ग्लास लगाना है एंड उस ग्लास के ऊपर आप ब्लॉक लगाना है। एंड गाइज अब अपन को अब सेकेंड फ्लोर बनाना है। अगर आप चाहे तो मत भी बनाना सेकेंड फ्लोर, पर हाँ यस हम सेकेंड फ्लोर बनाएंगे। एंड यहाँ पे पहले अपन ये फिल कर देते हैं, इधर मत करना ताकि फिर वो ब्लॉक हो जाता है। एंड इधर भी नहीं मतलब फिर वहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा और सभी जगह आप ब्लॉक कर देना। एंड यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, अपन को जो मैंने आपको स्टेयर मतलब वो दिखाया था, तो अपन को अब ऑब्जर्वर के ऊपर कुछ इस तरफ से लगा देना है, आप देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद दोनों के एंड पे आपको एक ब्लॉक लगा देने हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ऐसे ब्लॉक लगा के अब उन्हें स्टेयर के सामने आप डर्ट लगाना, सैंड तो नहीं आ पाएगा इसलिए डर्ट ही लगाना आप। एंड उसके बाद जो स्टेयर है उनमें आप पानी भर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको उन डर्ट के ऊपर पहले तो अपन यहाँ पे ये कर देते हैं कुछ ऐसे ब्लॉक लगा देते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी। और मैंने एक और बार बोला कि आप कोई से भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप क्या करना है कि ये डर्ट के ऊपर अपन आप शुगर कैन लगा देते हैं और आप ये चाहे बहुत हाइट तक ले जा सकते हैं। मैं बस दो फ्लोर बना रहा हूँ। और आपको ऐसे कुछ पिस्टन लगाना है। अब पिस्टन लगाने के बाद लाइक हमने जो नीचे करा था वही करेंगे यानी कि ऑब्जर्वर लगाएंगे पहले तो। एंड उसके बाद हमें
क्या करना है कि अब यहाँ पे पिस्टन के जो पीछे वाले ब्लॉक में वापस से वही सेम करना है, यानी कि वही ब्लॉक लगाना है ना, उसके ऊपर रेडस्टोन लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने रेडस्टोन लगा दी है, अब हमें इसके पीछे साइड में भी अभी वही करना है। तो तब तक एंजॉय द म्यूजिक। बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, और अब हमें इसे कवर करना है। तो गाइस मैं कवर करने के बाद मिलता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 9 शुगर कैन आ चुके हैं, जबकि मैंने अभी स्टार्ट करा। और गाइस मैंने कुछ ऐसा कर दिया ताकि मैं ऊपर नीचे आ सकूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।